The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजम हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 3 मार्च 2013 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिया। मोदी जी ने अपने इस भाषण में कहा कि जन भागीदारी के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता और कांग्रेस ने जन भागीदारी के तत्व को समाप्त कर दिया है, इसलिए देश को कांग्रेस पार्टी से मुक्ति दिलानी है और ये देश भक्ति का काम है। मित्रों, इतने बड़े देश को जोड़ना होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों को जोड़ा, देखते ही देखते देश बदल गया। हम जनता पे भरोसा करें, हम आम आदमी पर विश्वास करें। मित्रों, दुर्भाग्य से इन दिनों आर्थिक सुधार के नाम पर बातें चल रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मैं अर्थशास्त्रियों को आह्वान करता हूं, विश्व के कोई भी, क्या भारत सरकार जिन कदमों को ले रही है वो आर्थिक सुधार के व्याख्या की मर्यादा में भी आते हैं क्या? आपकी डिलीवरी सिस्टम ठीक करते हो जो कि आपकी गलतियों का परिणाम है, आपके कुशासन का नमूना है, उसको अगर आप ठीक करने जाते हो और आप उसको रिफॉर्म कह रहे हो, ये रिफॉर्म होते हैं क्या? रिफॉर्म आने वाले 20-50 साल तक असर पैदा करने वाली नीतियों से जुड़े हुए होते हैं, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। और लास्ट माइल डिलीवरी की चिंता है। प्रशासन का सुधार, गवर्नेंस में बदलाव, ये प्रशासनिक सुधारों में जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म में नहीं आता है। दूसरी तरफ मैंने देखा मित्रों, और मुझे नाराजी कांग्रेस से है उससे ज्यादा उन पॉलिटिकल पंडितों से है जो दिन रात कांग्रेस को सर्टिफिकेट देते रहते हैं। मैं हैरान हूं, जो सरकार देश के अर्थतंत्र को सबल बनाने के लिए कोई योजना न ला सकती हो, जो सरकार रुपये की ताकत गिरती हुई सिर्फ देख रही हो, जो सरकार खजाने को लुटाना, डोल डिस्ट्रीब्यूशन, लोग लुभावनी बातें, इसको अगर कोई आर्थिक कार्यक्रम कहेगा तो मित्रों, वो राज्य वो देश कभी भी आर्थिक ताकतवर नहीं बन सकता है। मुझे स्मरण है मित्रों, मुझे जब पहली बार 2001 में गुजरात के अंदर जिम्मेवारी संभाली, मेरी सरकार में 6,700 करोड़ रुपया रेवेन्यू डेफिसिट थी, 6,700 करोड़। आज 400 करोड़ सरप्लस वाली मेरी सरकार है। मित्रों, जब हमने कार्यभार संभाला, हमारे देश में जितने भी पीएसयूज होते हैं उसका जन्म ही मृत्यु के लिए होता है। पीएसयू जन्म लेता है, कभी अपने बलबूते पर वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, और ऐसे पीएसयू चल रहा है। उन पीएसयूज को ठीक करने के लिए उनके पास कोई मॉडल नहीं है, या तो उसका प्राइवेटाइजेशन करो या तो उसको बंद करो। मित्रों, गुजरात ने तीसरा मॉडल दिया कि हमारे पीएसयूज को कॉरपोरेट कल्चर, प्रोफेशनलिज्म, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उन सारे पहलुओं से आगे बढ़ाया जाए।
मित्र, हिंदुस्तान की सभी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां जो राज्यों की है हजारों करोड़ के घाटे में है। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 2001-2 में प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपए का घाटा करती थी। भाइयों बहनों, आज पूरा देश ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। हमने एक नया पैसा बिजली का दाम नहीं बढ़ाया 12 साल में, एक नया पैसा नहीं। पहले शाम को खाना खाते समय बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। जितनी चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए मिल सकती है, और उसके बावजूद भी पर ईयर 2500 करोड़ का घाटा करने वाली हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आज 700 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। क्यों? लीकेज बंद कर दिया। राजीव गांधी कहते थे एक रुपया निकलता है 85 पैसे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे डूल हो जाते थे। क्या ये देश इस नजारे को देखता रहे? भाइयों बहनों, मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कहता हूं, हिंदुस्तान का मूल स्वभाव प्रामाणिकता है। मेरे देश के नागरिकों का मूल संस्कार ईमानदारी है। अगर हम उस प्रामाणिकता और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हुए नीतियों के आधार पर अगर शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास करें तो देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं। इतनी सारी सरकारें हैं मित्रों, किसी पर कोई आरोप नहीं लगा है, ये छोटी बात नहीं है मित्रों। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, नक्सलिज्म टिकना फलाना देश तबाही की ओर बढ़ रहा है, आतंकवाद वगैरह, लेकिन उस बीच में मेरे देश के पॉलिटिकल पंडितों ने हमारे रमन सिंह के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ अन्याय किया है, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर अन्याय किया है। और मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं भाइयों, इस देश के लोग कभी तो देखो, एक इंसान मौत को मुट्ठी में लेकर के बस्तर के जंगलों में जाने की हिम्मत करता है, वो इंसान जहां मुख्य रूप से जनसंख्या आदिवासियों की है, जहां नक्सलिज्म उफान पर है, उसके बावजूद भी आदिवासियों के कल्याण का उत्तम से उत्तम मॉडल क्या हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है। और हिंदुस्तान में कांग्रेस के मित्रों से मैं कहता हूं, अगर सचमुच में आदिवासियों का भला करना है, यह हमारे समाज के पिछड़े लोगों का भला करना है, उनको नक्सलवाद की जातियों की ओर जाने वाले पिछड़े इलाकों को रोकना है, बचाना है, रमन सिंह जी ने एक मॉडल पेश किया है। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, चूंकि वो डॉक्टर रमन सिंह का मॉडल है, इसकी बात किसी के तक पहुंचाना नहीं, और नक्सलवाद फैले तो फैलने देना, नौजवान बेमौत मरे तो मरने देना, कब तक ये खेल चलेगा? भाइयों बहनों, हर जिंदगी की अपनी एक कीमत होती है, हर जिंदगी के अपने सपने होते हैं, हर मां बाप परिवार का वो भरोसा होता है, हम कितनों को मरने देंगे? मित्रों, समय की मांग है, समय की मांग है कि सरकार के अंदर भी कोई दम है, कम से कम ये तो दिखाएं। लोग निराश हो जाते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों को देखें, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके व्यवहार को देखेंगे, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बीजेपी इज विथ ए मिशन। और जब कांग्रेस के कार्यकलापों की बात करते हैं, देखते हैं, तो तुरंत पता चलता है कांग्रेस इज फॉर कमीशन।
मित्र देश के सामने मिशन और कमीशन के बीच का झगड़ा होने वाला है और देश कमीशन से मुक्ति चाहता है। और मैं मानता हूं मित्रों, इस पूरे देश में फैलाइए ये कमीशन पार्टी है, उसका नाम ही कमीशन पार्टी है। हेलीकॉप्टर में भी, 2G में भी, हर चीज में कमीशन। 1%, 2%, 5%, चाचा का इतना, मामा का इतना, साले का इतना, साली का इतना, भाई का इतना, भतीजे का इतना, यही चल रहा है। दामाद का, मैं गृहस्थी नहीं होने के कारण ये रिश्तों वालों में बड़ा गड़बड़ हो जाता है, कुछ छूट जाता है। मित्रों, मैं तो कांग्रेस पार्टी से इस देश को मुक्ति दिलाना यह भी बहुत बड़ा देशभक्ति का काम है। देशभक्ति के लिए और कुछ भी ना करें, इनसे मुक्ति दिलाए तो भी मित्रों वो वही काम होगा जो आजादी के दीवानों ने आजादी पाने के लिए किया था, वही होगा। मित्रों, स्वराज्य के लिए जैसे लोगों ने बलिदान दिया था, कष्ट झेले थे और अंग्रेजों को हटा करके स्वराज पाया था, वैसे सुराज्य के लिए भी जन संघर्ष करते हुए कांग्रेस के मुक्ति दिलाए, सुराज्य आएगा। अंग्रेजों से मुक्ति मिली, स्वराज आया। कांग्रेस से मुक्ति मिले, सुराज्य आएगा। और समस्याओं का समाधान सुराज्य में है, विकास में है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य से सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाना, उसको कठिनाइयों से मुक्त करना, ये हम लोगों का दायित्व है। मित्रों, इन दिनों आप देखते होंगे गुजरात के संबंध में आलोचना होती है तो क्या होती है, मैं उस आलोचना का स्वागत करता हूं, आलोचना बहुत होती है मेरी, लेकिन आलोचना क्या हो रही है, मोदी कहते थे 8% जाएंगे लेकिन वो 7.9% गए। मोदी कहते थे 12 लाख करोड़ का होगा लेकिन 11 लाख करोड़ हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि देश को विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने मजबूर किया है। ये ठीक है कि आज हमारी तुलना उनसे करने की कोशिश हो रही है जो बहुत पहले से हमसे आगे हैं। कुछ पैरामीटर अमेरिका से निकालेंगे, कुछ पैरामीटर जापान के निकालेंगे, कुछ पैरामीटर जर्मनी के निकालेंगे और कहेंगे देखो मोदी सब बातें करता है लेकिन जर्मनी में तो ऐसा है, गुजरात में नहीं है। वाह, क्या बात है। ये भी खुशी की बात है मित्रों कि दुनिया के समृद्ध देशों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी से द्वारा चली हुई सरकारों की तुलना हो रही है। और मित्रों, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, वो समय दूर नहीं होगा जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अध्ययन करेगी और उसमें से रास्ता खोजने की कोशिश करेगी। दुनिया के देशों को भी समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता मिलने वाला है। द मेकिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजम हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी